बीमा कर्मचारी संघ के वार्षिक उत्सव के मौके पर हजारीबाग प्रमंडल के पदाधिकारी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से बीमा कर्मचारी संघ के लोगों ने आज सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति तय की गई। वहीं LIC बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग प्रमंडल के महामंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति तय किया गया है। जिस तरह सरकार LIC बीमा सेक्टर को उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम कर रही है, ऐसा नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में एक एक कर जनता को बताएंगे कि किस तरह से सरकार प्राइवेट सेक्टर के हाथों बीमा कंपनी को बेचना चाह रही है। सरकार के मंसूबों को रोकने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद में धनबाद शाखा 1, धनबाद शाखा 2-3, धनबाद शाखा 4, वेतन बचत योजना, गोविंदपुर, इन शाखाओं का जो है एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में हम लोग जो है देश की वर्तमान परिस्थिति और LIC की जो वर्तमान परिस्थिति है, इस पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। और इसमें सरकार द्वारा जो देश जनता विरोधी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ साथ LIC को जो बेचने की साजिश चल रही है, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट का जो सरकार का जो प्रयास है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सरकार LIC का IPO लाएगी, उसके अगले दिन हम एक दिवसीय हड़ताल के द्वारा सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करेंगे। साथ साथ 28 और 29 मार्च को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है मजदूरों का, उस मजदूर में हम पूरा समर्थन देंगे और सरकार को यह मजबूर करेंगे कि जो ये जनता विरोधी नीतियां और मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनको वापस लें। अगर मान ले वापस नहीं होता तो अगला रणनीति क्या होगा आप लोग का? वापस नहीं लेगा, हमारा अगला रणनीति जो है वो संघर्ष का होगा। हम संघर्ष करते रहेंगे और हमेशा जो है जनता को बताते जाएंगे कि सरकार किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को जो है चंद पूंजीपतियों के चंगुल में देते जा रही है।